हेलो इंडिया, कैसे हो आप लोग? मैं बढ़िया हूँ, स्वागत करता हूँ आप लोगों को एक वापस सी नई व्लॉग में। आज है संडे, हम है एनआईटीएन और इधर सब बैठे के हम गप्पा मार रहे हैं। और ये नंगे भी तो है, ये हमारे मालिक हैं जिनका कपड़ा उतार दिया और भैया है इधर। चलो हम तो खट्टी कर रहे हैं, आज संडे है, अभी सो के मैं उठ गया। ये मेरे मालिक कपड़ा उतार गया बेचारे प्रोड्यूस। अब जॉय पीछे 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 चला गया, छूट गया क्या जॉय? जॉय ये हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड में ये पिंटवा है हमारा। आज सबका कपड़ा धुलने का बारी है। सो डीजे वाला गाना चला दो। जॉय कितने कपड़े है तेरा धुलने के लिए? हफ्ते में 5 दिन एक एक कपड़े पहन के बस। तो अभी हम फिलहाल हाँ ये गाना भी गा रहा है, हम सोच रहे हैं कि हम धुलाई करें सब कुछ, मतलब अपना कपड़ा वगैरह सब पसीना पसीना हो रहा है, सब ऐसे बिखरे होके पड़ा हुआ है। और यू नो बैचलर्स के होता ही ऐसा है, कुछ ध्यान ही नहीं है। मतलब क्या है कि मतलब हमारा 2 दिन छुट्टी रहता है, लेकिन हमारा मतलब सैटरडे और संडे को छुट्टी रहता है, लेकिन हम कल छुट्टी नहीं था, आज संडे थे, इसीलिए मतलब कुछ काम था लैब में, सो छुट्टी नहीं था, बिल्कुल थक गए थे। फिर कॉलेज से आके एकदम सो गए और उसके बाद अभी जाग रहे हैं। अभी हम फिर काम है, दोनों एक साथ ही हो रहा है। हमारे मालिक कितने बताना है। सो अभी कपड़ा धुलने का बारी है। गॉड बहुत टेंशन, अच्छा नींद गया है। चलो फिलहाल देखते हैं आज संडे में क्या क्या सब होता है, क्या क्या नहीं होता है। और सोचा कि बहुत दिन हो गए बिजी लाइफ में, थोड़ा बिजी रह गए थे, पढ़ाई वढ़ाई चल रहा था ऐसा, इधर पेन पड़ा है सब तो फिर आज फ्री हुआ तो आज वीडियो बनाएंगे और अपलोड करेंगे। और यहाँ कपड़े धुलने के लिए तैयारी चल रहा है, पिंटुआ हमारा साफ कर रहा है फर्श को, देखिए जुगाड़ लगा रहे हैं हम। और बोलो पिंटुआ, हाँ 2 हफ्ते बाद चलो कपड़े धो। कपड़े की कमी नहीं है, परफ्यूम लगा के चला रहे हैं भाई। सो चल रहा है सब, कुछ कुछ कपड़े इधर धुल भी गए। आसमान में इधर से साफ दिख रहा है भाई। चलो फिर कपड़े धुलते हैं, मेरा भी 2-4 साफ कर देना। सो ये देखो हमारा कैसा ये साफ कर रहे हैं हम लोग, मेरे को तो पता ही नहीं कैसा साफ करते हैं, आज ट्राई करूँगा पहली बार। खुद का चीज खुद करना चाहिए, ये अच्छा बात होता है। पिंटुआ से हम सीखेंगे आज, है ना? ठीक है, आज पिंटुआ से सीखते हैं कैसे कपड़ा को साफ करना है। दो बढ़िया धुल रहा है, तो पिंटुआ आ रहा है ऊपर से। अबे ऐसा नहीं यार, ऐसा हम आए थे मार्केट, अब हम
टपस में जाने के लिए लिफ्ट मांग रहे हैं और धूप में कोई भी नहीं लिफ्ट नहीं दे रहा, और पिंटू भैया हमारा लिफ्ट मांग रहे हैं, मेरे को तो कोई नहीं देता। मांगो मांगो शायद हो जाए। कोई नहीं रखता भाई, कोई नहीं रखता, ये वाला अंकल को मांगो। तो हमको मिल गया लिफ्ट, तो हम आ गए। एक भैया ने रोक लिया गाड़ी, अच्छा है, मतलब एकदम पसीना पसीना हो रहे थे अभी फिलहाल। एटीएम के एसी में थोड़ा ठंडक ले रहे हैं वो लोग, उधर दूसरे साइड एटीएम में पैसा निकाल रहे हैं दोस्त लोग। तो थोड़ा देर चिल करते हैं, उसके बाद निकलते हैं खाना खाने और देखते हैं आगे क्या होता है। ब्लॉग में बने रहिए, हालत ख़राब है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत तेज़ है, आप लोग देख ही सकते हैं। ओ गॉड, देखो बाहर किस देखा ही नहीं दे रहा, मतलब इतना तेज़ धूप है। सो ये है, ओ गॉड, ठंडा ठंडा कूल कूल। ये रहा सुंदर सा छोटा सा क्यूट सा कैंपस हमारा, सब लोग है इधर, जीव जंतु सब कुछ, जॉय भी है इधर, ये भी एक जीव है। वाह, बस कुछ ऐसा दिख रहा है नज़ारा। बताइए आप लोग कैसा है मेरा कॉलेज का कैंपस, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप लोगों को कैसा लगा ये बताइएगा। इधर सब रहते हैं, पशु पक्षी, हमारे जैसे जंतु और उनके जैसे जंतु, देख ही सकते हैं। इट्स फॉर ओनली मजाक, डोंट बी सीरियस। ओके, ये देखिए ऐसे ही सब, बहुत सारे पक्षी इधर रखे गए हैं, पीकॉक्स भी हैं इधर, और पता नहीं अभी तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन है। संडे है तो सोचे कि घूम के आज एक वीडियो ही बना ले कैंपस का। ओके, ऐसा कुछ दिखता है। जॉय, कैसा लग रहा है कैंपस तेरे को? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, कितना रेटिंग देगा तू? 10 से 10 से 10 रुक कॉल आ रही है। हाँ ठीक है, बात कर ले। सो ऐसा है कैंपस, और इधर है हमारा, मतलब, और ये है ओपन स्टेज गैलरी, मतलब देख सकते हैं ऐसा लग रहा है, ऐसा करके है कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है तो छोटा मोटा या फिर बड़ा जो भी हो इधर ही होता है, तो अच्छा लगता है। जॉय, चलिए हम ऊपर जाके भी आप लोगों को दिखा देते हैं, ठीक है। सो स्टेज पे जाने से कैसा लगता है देखते हैं। सो स्टेज के ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है गैलरी, और अच्छा लगता है, इसी के ऊपर परफॉर्मेंस करना होता है।
NIT जलंधर का, ये अच्छा लगा मेरे को। पेंटिंग वगैरह हो रखा है, चलो चलते हैं। अब देख लिए, हम भी देख लिए, गिलहरियाँ यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो इधर से आप अंदर जा सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। सो ये था कुछ सा नज़ारा। कितना रेटिंग देना चाहता है तू NITJ का कैंपस और जितना भी स्ट्रक्चर्स वगैरह है? 10 में से 5 दे सकते हैं। 5 क्यों दे सकते हैं? मतलब 5 इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि कैंपस इतना बड़ा है, सब कुछ यहाँ है, लेकिन तब भी हमें रूम नहीं मिला। और अच्छा बात क्या है बता थोड़ा? अच्छी बात यही है कि डिपार्टमेंट अच्छा है, बहुत टीचर्स अच्छे हैं, मतलब फिजिक्स का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, बहुत सही है। और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है यहाँ का, सारी फैसिलिटी है, लेकिन बस। और कैंपस भी क्यूट है। कैंपस भी क्यूट है, मतलब सब सुंदर है। और बाकी जगह हम गए नहीं अभी, मतलब थक गए चल चल के, लेकिन बस यही है कि मास्टर्स वालों को रूम नहीं मिला है, मास्टर PhD वालों को भी, हाँ PhD वालों को भी नहीं मिला है, और मे बी अक्टूबर तक शायद मिल जाए। और बॉस फैसिलिटी वगैरह इधर सब हो जाता है, मतलब जो डे स्कॉलर है, मतलब खास करके BTech वालों को सब सुविधा मिल जाता है, आई थिंक, है ना? बस वगैरह बसें भी दिखा देते हैं। बस भी दिखा देता हूँ। सो बस फैसिलिटी और एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। चार से पाँच बसेस चलता है। और इधर कैंपस में हर जगह आप लोगों को ठंडा पानी पीने को मिल जाएगा, फ्री कूलिंग वाटर सब हर जगह लगा हुआ है। सो आप लोगों को ATM भी लगे हैं, लेकिन उनसे पैसे निकल के नहीं आते बाहर भी, मतलब लेकिन ATM मतलब थोड़ा अंदर भी है, आप लोग उठा सकते हैं, कुछ दिक्कत है इसलिए ATM पे पैसा नहीं उठा। सो अभी चल रहे हैं बस। सो अभी हम निकल चुके हैं अपने गेट से बाहर, यहाँ दिख रहा है आप लोग को, ये रहा हमारा गेट। तो ऐसे ही गेट पे बाहर ही आते ही आप लोगों को हाईवे दिखाई दे देगा, नेशनल हाईवे। ये है नेशनल हाईवे तक, और ये है हमारा गेट, और थोड़ी दूर में ही हमारा, अभी फ़िलहाल रह रहे हैं हम रूम लेके, तो जाना पड़ेगा लिफ्ट मांग के, इधर ही थोड़ा ही दूर में, अब रास्ता पार करना भी पड़ेगा। तो अभी हम लोग आ गए हैं रूम पे, खाना खा लिए, थोड़ा बहुत कैंपस में घूम लिए, और अभी थोड़ा मार्केटिंग वगैरह भी कुछ कर लिए, तो उसके बाद अभी रूम पे हम हैं। और अभी अंकल ने हमको चाय बना के पिलाया है। बोलो सब, कैसा है चाय अंकल का? तो अंकल ने ये बनाया है और हम भी चाय पी रहे हैं। ये साढ़े 600 का दिया है, बहुत टेस्टी है। मतलब वैसे मैं बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीता, तो टेस्ट करने के लिए मैं पी लिया। तो ये हालत अभी हमारा, मतलब ऐसे माहौल है, और तो फिलहाल मजे कर रहे हैं हम थोड़ा संडे फंडे। और लतीफ़ तू क्यों नहीं पिया चाय? आप लोगों को फिर आगे ब्लॉग में बने रहिए कि क्या होता है क्या नहीं होता है। यार जी कैसे हो? सब आ गए ना आज फिजिक्स वाले सब? इधर थोड़ा मुंह कर लो। हेलो। तो कल के टीचर्स डे के लिए हम लोग
प्रैक्टिस कर रहे हैं इधर और ये लोग रहे हमारा जॉय प्रोफेशनल सिंगर जॉय गिटार बजा रहा है और इधर पीछे है हमारा एनआईडी और वो आज हमारा सबसे प्यारी है हम ताली बजाने आए ये माहौल है सपोर्टिव सिस्टम ओके तो पीछे है हमारा प्यारा सा एनआईडी और भाई इधर क्या गर्लफ्रेंड के साथ साथ बात कर रहा है पता नहीं कौन है ओके ठीक है कोई बात नहीं हम देखते हैं फिर अबे गाली दे रहा है मादर चोद तू नहीं दे रहा डोंट डिस्टर्ब शाम का टाइम है गिटार हम अपने हाथ में है गाना वाना हो रहा है संडे का एकदम फंडे हो रहा है हाँ मास्टर ने सीनियर था बोल 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 अरे बोल तेरा अच्छा लगेगा बोल नहीं अबे तू बोल तो तू बोल तू बोल हो चुका है गाना वाना सब खत्म हो चुका है अब चल रहा है हाँ माने क्या बोल भी ले ले हाँ कुछ ले तू कुछ अपना असमीज में बता मूल नाम स्नेहाशीष अबे नहीं तेरा नाम स्नेहाशीष ऐसा ये नहीं क्या चल रहा था इधर इधर से चल ये अपने गिटारिस्ट तो है गिटारिस्ट भैया है जॉय भाई हाँ भाई थोड़ा इधर बनाना शेक पी रहे हैं हम लोग है ना कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा ये दिखाई दे रहा है तो अंधेरे में बैठ के मौज कर रहे हैं तो ये है शाम का नज़ारा संडे का एनआईटी में एक साइड है और दूसरे साइड भी है सब लेकिन हम तो मतलब जो देख रहे हैं वही शूट कर दे रहे हैं ब्लॉग में सो चल रहे हैं ना जॉय भाई का बर्थडे था ना अब अभी हम क्या किए बोल अभी हमने थोड़ी प्रैक्टिस की कल हमारी 5 सितंबर है जैसा कि टीचर्स डे पता है टीचर्स डे होता है 5 सितंबर को तो कल हम एक सॉन्ग प्ले कर रहे हैं टीचर्स के लिए हाँ टीचर्स और सचिन का बर्थडे था हमारा क्लासमेट है तो उसने हमें ट्रीट दिया पिलाया और बोला कि और पियोगे तो पियो लेकिन हमें थोड़ी जल्दी इतना डिटेल्स भी नहीं दे रहे थे सो और अच्छा लगा बहुत और भाई का बर्थडे था सो एंजॉय भी कर लिए और हैप्पी बर्थडे भी बोल लिए तू बोला है उसको हाँ बिल्कुल ये तो बनता ही है तो बोला कि तेरी लंबी उम्र लंबी उम्र 100 साल के बचे तू ओके सो ये था आज का दिन सो ये है हमारा सीनियर्स का हॉस्टल सो हम आए हैं उनके गिटार थोड़ा लेने के लिए और यही बस यहाँ जॉय अपना गिटार थोड़ा अपने सीनियर को दिखा रहा है कैसे क्या करना है और हम चले कि वीडियो बनाने सब हॉस्टल का ये है एनआईटी का हॉस्टल नंबर 7 सो इधर सीनियर रहते हैं हमारे और हम चले आए ना तो भूल ही गया था कि हमारे सीनियर्स ने आज हमको बुलाया और सब टीचर्स डे के बारे में प्लानिंग वगैरह सब बताया और खाने पीने का बंदोबस्त भी हो गया था मतलब चिल थोड़ा हुआ क्या है कि सीनियर्स से मीट हुआ ओके सो यही था आज का दिन अच्छा रहा देखिएगा आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे साथ चैनल को और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ और इतना ही था आज के लिए तो रखते हैं
टाटा बाय बाय गुड नाइट। सो चलो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगले एक इंटरेस्टिंग व्लॉग में, मतलब शायद कल आ सकता है क्योंकि टीचर्स डे है तो उसका भी बनाएंगे व्लॉग। और थोड़ा थोड़ा काम में बिजी भी रह जाते हैं, मतलब पढ़ाई में, सो इतना फ्रिक्वेंटली नहीं आ पाएगा, लेकिन जब छुट्टी मिलेगा, कभी भी कुछ इवेंट होगा तो मैं अपलोड करते रहूँगा। यार अंधेरा हो गया। ओके ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टाटा, टेक केयर।